हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन होना है। ऐसे में खेल विभाग द्वारा शहर के इंडोर व अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फुटबॉल मैदान, स्विमिंग पूल सहित अन्य खेलों के लिए भी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि 28 दिसंबर तक स्टेडियम के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और खेल विभाग पूरी तत्परता से इस राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को तैयार है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे बहुत बड़ा इवेंट है और इतिहास बनने जा रहा है और राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उसमें जो अभी ग्राउंड का वेन्यू है हमारा फुटबॉल ग्राउंड वहाँ पे बना है, और क्योंकि उसकी मिट्टी जो पहले उसमें थी बहुत कॉस्टली होती है, वो क्रिकेट की भी जो मिट्टी थी वो हमने अलग रखी है, और जैसे ही हमारा ये इवेंट होगा बाकी चीज़ें तो आने वाले टाइम में हम उसको जैसा ग्राउंड था पहले उसी रूप में उसको रखेंगे। सर हमारी ओर से तो तैयारी पूरी तैयारी है, और बाकी जो भी निर्माण पेयजल खेल इकाई हमारी जो निर्माण संस्था है उसके द्वारा भी पूरे जो भी हमारे काम होने हैं वो पूरे करे जाने हैं। इसी महीने 25 से 28 के बीच में उन्होंने टाइम दिया है कि हमारे जितने भी वेन्यू वहाँ पर मॉडर्न पेंटाथलन हो, चाहे हमारे स्विमिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारे ट्रायथलन का हो, स्विमिंग के जो भी वर्क हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वर्क हैं, और पानी के लिए वहाँ पर ओवर हेड टैंक की व्यवस्था हो रही है, तो वो काम उन्हें इस महीने के लास्ट तक पूरे करके देने।